अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है? आज संडे है, संडे का मतलब है कि नाश्ता आज बाहर से होगा, तो मैं निकल पड़ा हूँ बाहर। एक्चुअली लेट हो चुका हूँ काफ़ी, तकरीबन 1 बज रहे हैं, तो नाश्ता तो अब कम ही, अब लंच मिलना है, लेकिन लेट्स सी क्या मिलता है। ढूंढते हैं अभी फ़िलहाल कि कौन कौन स्पॉट्स पे नाश्ता इस वक्त अवेलेबल है, तो आइए चलते हैं फिर देखते हैं। आज एक्चुअली मेरा मूड है कि मैं गाड़ी में बैठ ही खाऊँ, क्योंकि बाइक पर जाकर वहाँ पे डाइनिंग तो करते रहते हैं, तो आज गाड़ी में बैठे खाने का मूड है। पोता थोड़ा टफ है, लेकिन इसका भी अपना मज़ा है। होने का नतीजा ये है कि अब वो अपने पतीले धो रहे हैं इस वक्त, जमदम वाले। गुलाम रसूल की हलवा पूरी चल रही है, लेकिन हलवा पूरी का मेरा इस वक्त मूड नहीं है। हलवा पूरी अभी जुम्मे को भी खाई थी, तो आज मेरा ज़्यादा हलीम या चने टाइप कुछ खाने का मूड है। एक नाश्ता पॉइंट है जफरवाल रोड पे, मैंने उनको कॉल करके पूछा, उनके पास नाश्ता है, तो अब मैं उधर ही जा रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं कहा कहीं और टाइम वेस्ट करते बेहतर है कि जहाँ से मिल रहा है उधर काम कर लिया जाए। ले जी, आ गए हम ये आबिद कुजी हलीम पे, बल्कि आबिद कुजी हलीम नहीं है, ये सिर्फ चिकन कुजी हलीम यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर। तो ये जफरवाल रोड पर है, और जहाँ निकापुरा एंड होता है तकरीबन उसके बाहर ही है। ये जनाब चने आ गए हैं, और दिखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लग रहे हैं। चने काफ़ी मज़े के लग रहे हैं। वो मज़े क्या? चनों का टेक्सचर चेक कर रही है यार, बहुत ज़बरदस्त, और फुल मुलायम पोला पोला चना है ये, बहुत मज़े के चने हैं यार। ये काली मिर्च में बने हुए हैं, और कोई तेज़ी नहीं है किसी किस्म की, बहुत माइल्ड स्पाइसेस में बने हुए हैं, बहुत बेहतरीन है। ये आया है साथ में हलीम, ये भी काफ़ी मज़े का लग रहा है। मज़ा इसमें आता है कि इसका जो किनारा होता है ना, इसको खोल के खाएं और इसकी भी प्रॉपर इसकी बाइट बनाएं। हरी मिर्च हार्वेस्ट करने लगे हैं, तो आए मैं दिखाता हूँ आपको हरी मिर्च के पौधे। ये चेक करें, ये मैंने कुछ उतार ली हैं, और अभी कुछ उतारने लगा हूँ। ये देखें, ये हरी मिर्च, इसकी खुशबू जो है वो दूर से आ रही है, चेक करें कितनी प्यारी, ज़बरदस्त। अच्छा, जो पक चुकी होती है ना, वो उसको बस आपने आसा ही कराना होता है, वो आपके हाथ में आ जाती है। माशाल्लाह हैं कितनी खूबसूरत फुल ऑन ग्रीन हरी मिर्च है, जो कि बाज़ार से नहीं मिलती। तो ये टमाटर दो ही पके हुए थे, जिनमें से एक ख़राब है और दो ये छोटे छोटे निकले हैं। अभी ये हैं कुछ टमाटर, लेकिन वो पता नहीं क्या मसला हुआ है इनको कि ये ऑरेंज नहीं हो रहे, रेड नहीं हो रहे। पहले काफ़ी बड़ा पौधा था असल में इसका, ये सारा ना फैल चुका था यहाँ तक, तो हमने इसको कटवा के तो किया, तो उसके बाद इसकी जो पावर है ना वो कम हो गई है जी। अब वी मॉल आ चुके हैं हम, वी मॉल में हमने ये कुछ आइटम स्नैक्स मंगवाई हैं, तो दोस्तों के साथ आए हूँ अपने में। सी मॉल आए हैं, सी मॉल का यार ये चिकन पराठा हमने ऑर्डर किया रूस्टर से, तो बड़ा मज़े का आ रहा है, बड़ा मज़े का टेस्ट है इसका, बड़े मज़े का टेस्ट है। इसका टेस्ट ग्रिल एंड थ्रिल के जो प्लेन पराठा है चिकन वाला, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। फीलिंग भी बहुत हैवी और अच्छी किस्म की हुई हुई है। साथ हमने ये गोलगप्पे ऑर्डर किए हैं जैसे ही रूस्टर से, रूस्टर के साथ टेस्ट ब्रेक है। अब मैं असल में सी मॉल की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो इसको ट्राई करते हैं। साथ हमने टिक्का मंगवाया है, उसके साथ ये पराठा है, लेकिन गर्म बेहद है। ये चेक करें, फुल ऑप्टिमम बाइट बनाई है इसकी जी। तो सी मॉल से मैं आ गया था दोस्तों के साथ, बड़ा मज़ा आया। अब मेरी इन-लॉज से मुझे KFC बुलाया है, अब KFC जा रहा हूँ, तो उसके बाद फिर घर आके देखेंगे। आज वॉकिंग करना बनती है, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा चीट हो गई है। आखिरकार हमारी ये कश्मीर रोड जो है ना, इसकी तामीर अख्ताम पर पहुँचने वाली है, क्योंकि बस छोटा सा टोटा रह गया लारी अड्डे तक का, उसके बाद ये सड़क कंप्लीट हो जाएगी। वीकेंड पर KFC आना और इधर आकर फिर अपना मील लेना कोई हालाजी का घर नहीं है जनाब, बहुत ज़्यादा रश होता है। मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। करें फुल हाउसफुल सीन है इधर, चेक करें, इधर चेक करें जनाब,
का तो पूरा दिन ही खाते पीते गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह का नाश्ता, दोपहर और शाम का तो इकट्ठा ही ले लिया, बल्कि नाश्ता और दोपहर का ये एक सा हो गया, और फिर शाम का फिर रात का, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि कल से वर्किंग डे है, तो कल से प्रॉपरली अब काम पे निकलेंगे। बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, ये हफ़्ता गुजर चुका है, और आज जो है ये 9th रेगुलर व्लॉग है मेरा डेली वाला, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी स्ट्रीक जो है वो चल रही है और टूटी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी अल्लाह ताला हम सबको खुशोरम रखे अपने घरों में, और नीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीक, यानी अगले व्लॉग में, जो नेक्स्ट नेक्स्ट वीक का मतलब था कि अब नया जो हफ़्ता शुरू हो रहा है। तो फिर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।